हेलो रन, उम्मीद करता हूँ आप सबका गेट का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का डिटेल्ड एक टॉपिक रहेगा, जिसमें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आ गया उसके कुछ की हाइलाइट्स मैंने नोट डाउन किए हैं पूरा डिटेल में एक बार पढ़ने के बाद। जो चीज़ें इंटरनल हैं, जो एंट्री के बाद आपको यूटिलाइजेशन की है, यूज़ की हैं, वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम आज डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल चार मैं पॉइंट रखूंगा इसमें डिस्कशन के। पहला कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कितना वैकेंसीज टाइप आपके पास रहेंगी। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे सर्विस में आने के बाद फिर आप डेपुटेशन पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तीसरा हम आपके प्रोबेशन पीरियड का बात करेंगे कि आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं वाया यूपीएससी तो आपका कितने टाइम का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। चौथा हम देखेंगे आपका प्रमोशंस और आप फर्दर इन फ्यूचर क्या क्या किस किस पोस्ट पे जा पाएंगे और आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, कितने साल के प्रमोशंस हैं, कितनी वैकेंसीज हैं हर एक पोस्ट पे, कितने पोस्ट क्रिएट करी गई हैं हर एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस से। सिलेक्शन प्रोसेस जो है जूनियर स्केल में, जो कि लेवल 10 की पोस्ट होती है सर, इसमें 50% जो आपकी पोस्ट है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम से आएगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से। और जो 50% पोस्ट है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से होगा। अर्लियर क्या होता था, 70% आपका यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से आता था और 30% आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता था। अब इसको 50-50 कर दिया है और 50-50 करने के बाद जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है वो सिर्फ उन्हीं के होंगे जो लेवल 8 और 9 में काम कर रहे हैं और 3 साल का उनका सर्विस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उनका एग्जाम लिया जाएगा और डिपार्टमेंटली प्रमोट करके लेवल 10 में उनको रखा जाएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस सेम रहेगा सिविल सर्विसेज का। लास्ट में जब DAF फॉर्म भरा जाता है उस टाइम जब आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि IAS IPS IFS IRS, उसी में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब है टोटल मैनेजेरियल पोस्ट ये हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लेवल 10 की जॉब है, हमारी जो जॉब रहती है उसमें मोर और लेस मैनेजमेंट ही रहता है, उसमें टेक्निकल यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है। टेक्निकल चीजों के लिए SSC और JEE पे डिपेंडेंट रेलवे रहेगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चालू रेलवे ने कर दिया है, नोटिफिकेशन डाल दिया था कि अब से हम डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे SSC और JEE को लेवल 6 एंड 7 में। ठीक है, तो डेपुटेशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको डेपुटेशन पे कंपलसरी भेजा जा सकता है, ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। इन केस अगर रेलवे को रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है तो आपको बाय ऑर्डर डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है किसी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में, यूनियन टेरिटरी में, ऑटोनोमस बॉडीज में और PSUs में, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, आपका डेपुटेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और फॉरन में भी आपको डेपुटेशन के लिए भेजा जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, तो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। प्रोबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। अर्लियर जो हुआ करता था, जो 5 सर्विस हमारी थी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती थी, उनका प्रोबेशन पीरियड रहा करता था 3 साल का, और जो सिविल सर्विसेज से लोग आया करते थे उनका प्रोबेशन 2 साल का रहा करता था। अब चूंकि सब लोग सिविल सर्विस से आ रहे हैं तो सबका प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहेगा। अब आते हैं प्रमोशन और आपका डेजिग्नेशन की बातें करेंगे। जैसे देखिए, आप लोग आएंगे लेवल 10 में, लेवल 10 में आपको जूनियर स्केल बोला जाता है, जिसमें आपका जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं लेवल 10 में जब रिक्रूट होकर आया हूं तो मुझे जो IRSMI के थ्रू जो डेजिग्नेशन मिला था वो ADME मिला था। ठीक है, ADME का मतलब था असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। प्रमोशन के बाद वो DME बनेगा, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब कि इंजीनियरिंग पोस्ट बना के रखी थी। IRMS करने के बाद सारी मैनेजरियल पोस्ट हो गई है, तो अभी जो डेजिग्नेशन लेवल 10 में रहेगा वो असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। प्रमोट होने के बाद डिविजनल मैनेजर बनेगा। ठीक है, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मैनेजर बनेगा, नेक्स्ट प्रमोशन भी उसका डेप्यूटी चीफ मैनेजर रहेगा। देन लेवल 14 में जाके उसका जो डेजिग्नेशन है चीफ मैनेजर हो जाएगा। लेवल 15 में डेजिग्नेशन प्रिंसिपल चीफ मैनेजर हो जाएगा। लेवल 16 में जनरल मैनेजर और लेवल 17 में जो CRB CEO जो रेलवे का रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें कितने साल बाद होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 10 से 11 में जाने के लिए आपको 4 साल की सर्विस चाहिए टोटल। लेवल 11 से 12 में जाने के लिए, मतलब कि डिविजनल मैनेजर से डिप्टी चीफ मैनेजर बनने के लिए आपको 5 साल की सर्विस चाहिए लेवल 11 में। लेवल 12 से 13 में जाने के लिए आपको लेवल 12 में 4 साल की सर्विस चाहिए। लेवल 13 से 14 में जाने के लिए आपको अगेन 4 साल की सर्विस चाहिए, मतलब 17 साल तक आपके प्रमोशन
बैक टू बैक होते रहेंगे। उसके बाद के जो प्रोमोशंस हैं लेवल 15, 16 एंड 17 तीन जो लेवल है इनमें जो पोस्टिंग है वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा इसका मतलब है कि वहां पे आपका ओवरऑल सारी चीजें देखी जाएंगी, आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल स्किल्स, आपका मैनेजिंग स्किल्स, सारी चीजें वहां पे देखी जाएगी। वहां पे सीनियोरिटी उस हिसाब से डिसाइड नहीं होगी जैसा आपका नीचे के लेवल्स में रहेंगे, ठीक है। पोस्ट का इन्होंने जो बताया है, जो सीआर लेवल 17 की पोस्ट है वो 7 है, लेवल 16 में 59 पोस्ट है, लेवल 15 में 139 पोस्ट है, लेवल 14 में 791 पोस्ट है, लेवल 13 में और लेवल 12 में दोनों की मिला के 2325 पोस्ट है। और सीनियर स्केल की जो पोस्ट है, जो डिविजनल मैनेजर की पोस्ट है लेवल 11 में, वो 1395 पोस्ट है। और असिस्टेंट मैनेजर की जो जूनियर स्केल है लेवल 10 की जो पोस्ट है वो 450 है। इसके अलावा पूरे नोटिफिकेशन में मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकाल पाया, यही मेन मेन पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, क्योंकि अर्लियर जो मेरिट लिस्ट बना करते 1300 नंबर में से वो 200 नंबर आपका इंटरव्यू होता था और आपका 200 नंबर जीएस पार्ट हुआ करता था प्रीलिम्स में, बाकी सब आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉन टेक्निकल नहीं हुआ करता था, वो आपका पूरा टेक्निकल हुआ करता था। तो जिनकी होल्ड इंजीनियरिंग टॉपिक्स पे बहुत अच्छी है वो सिलेक्शन ले जाया करते थे। अभी चूंकि सारी पोस्ट मैनेजरियल बना दी गई हैं और अर्लियर वर्क प्रोफाइल भी ऐसी है कि मोर और लेस मैनेजमेंट ही देखना पड़ता है, तो रेलवे का जो कैडर सिस्टम अब रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि टेक्निकली जो डिपेंडेंसी रहेगी वो जेई और एसएससी पे रहेगी, जो कि लेवल 6 और 7 में रहेंगे, जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करेगा वाया आरआरबी एग्जाम, ठीक है। उन्हीं एसएससी जेई, वही एसएससी जेई जब प्रमोट होके लेवल 8 और 9 में आ जाएंगे और लेवल 8 और 9 में उनकी 3 साल की सर्विस हो जाया करेगी, तो वहां से भी लोगों को प्रमोशनल एग्जाम लेकर लेवल 10 में प्लेस किया जाएगा। लेवल 10 की टोटल जो पोस्ट आएगी उसमें 50% वाया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम आएगा, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है कि आपका प्रीलिम्स होगा, जिसका सिलेबस आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन ऑलरेडी अभी रिलीज हुआ है, और फिर मेंस होता है, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। टोटल मेरिट लिस्ट आपकी इनके बेसिस पे बनती है, प्रीलिम्स का मेरिट लिस्ट से मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है। और डिटेल नोटिफिकेशन आपको सिविल सर्विसेज का देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट इस साल अभी यूपीएससी ने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि इस साल के सिविल सर्विसेज से पोस्ट आएंगी आईआरएमएस की या नहीं आएंगी। प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगले 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सिविल सर्विस से आईआरएमएस की पोस्ट भी आने वाली है, ठीक है। बिकॉज एक नोटिफिकेशन डालने की जो टोटल 850 के आसपास सीट्स आई थी सिविल सर्विसेज में, उसमें 200-250 सीट्स और ऐड हो गई हैं जो कि आईआरएमएस के नाम पे हो जाएंगी, और वहां पे आपको डीएफ जब फाइनली आप भरेंगे सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद तो आपको अपनी प्रायोरिटी वहां देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई आपकी डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।